द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज डी सी टी एंड कलेक्टिंग डट प्रीवियस वीडियोज के अंदर हम लोग पी सी टी लूपली और काउंटर करेंट मैकेजम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग डी सी टी दैट इज डिजटल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल एंड कलेक्टिंग डट को डिस्कस करेंगे डी सी टी या फिर जो डिजिटल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग अर्ली डी सी टी कहते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग लेट डी सी टी कहते हैं इसी तरह कॉटिक कलेक्टिंग डेट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट कलेक्टिंग डेट का जो कॉटेक्स में लाई करता है उसको हम लोग कॉटिकल कलेक्टिंग डट कहते हैं और जो दूसरा पार्ट है कलेक्टिंग डेट का जो कि मेडुला में लाई करता है उसको हम लोग मेडुलरी कलेक्टिंग डेट कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे रीएब्जॉपन होता है अर्ली डी सी दैट इज अर्ली डिजिटल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल में अर्ली डीसी या फिर अर्ली डिजिटल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल में जैसा जैसे रीएब्जॉप्शन होता है उसको यहाँ पर एलुस्ट्रेट किया गया है ये एक सेल है अर्ली डीसीटी की और ये कैपिलरी है जिसमें सोडियम फाइनली रिअब्जॉर्ब होगा और यहाँ पे ट्यूबुलर ल्यूमेन है तो हम लोगों को अल्टीमेटली सोडियम को रिओब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द कैपिलरीज अर्ली डीसीटी के अंदर टोटल फाइव टू टेन परसेंट ऑफ द सोडियम का रि होता है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो बेसोलेटल मेम्ब्रेन होती है अर्ली डीसीटी के सेल की वहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से सोडियम का रिएब्जॉपन होता है फ्रॉम द सेल टू द कैपिलरीज इस सेल इस सोडियम के एक्सचेंज में पोटेशियम जो होता है वो फाइनली कैपिलरी से आता है सेल्स ऑफ द एल डी में अब सोडियम के क्योंकि सोडियम सेल से कैपिलरी की तरफ आता है तो सेल के अंदर सोडियम का कंसनट्रेशन कम हो जाता है और साथ ही साथ सोडियम के बाहर जाने की वजह से और पोटेशियम के सेल के अंदर आने सेल में अंदर आने की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है अब ये सोडियम का क्योंकि सेल के अंदर कंसनट्रेशन अब कम हो गया है और ल्यूमन के अंदर दैट इज ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर सोडियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ये सोडियम अब अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ अलोंग द ग्रेडियंट मूव करता है ये जो सोडियम अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है ये मूव करता है थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स दैट इज सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर मतलब ये सोडियम जब अपने अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है और इस एनर्जी को यूज़ करके सेम ट्रांसपोर्टर से क्लोराइड जो है वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर आ पाता है अब ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं जिसके अंदर ए का यूज़ नहीं करके दूसरे Uh, दूसरे सब्सटेंस के अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उसको यूज़ करके कोई दूसरा सब्सटेंस अगर अपने अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है जो कि सोडियम और क्लोराइड दोनों को सेल के अंदर लाता है और जैसे कि हमने देखा सोडियम फाइनली कैपिलरीज के अंदर चला जाता है ये जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स है इनको कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम लोग था डायोरेटिक्स कहते हैं वो इनको ब्लॉक करने का काम करती है और यही सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव होते हैं इन द केस ऑफ गिटलमैन सिंड्रोम अब ये जो क्लोराइड अंदर की तरफ आया है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी की वजह से ये क्लोराइड फाइनली बेसोलेटल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल से बाहर की तरफ जाता है दैट इज इनटू द कैपिलरीज चला जाता है थ्रू स्पेशल क्लोराइड चैनल्स नाउल्यूमन से ये अर्ली डी की सेल्स जो हैं वो कैल्शियम का रिएब्जॉप भी करती हैं तो कैल्शियम का सबसे पहले रीअबजॉर्प्शन होता है थ्रू द कैल्शियम चैनल्स और ये कैल्शियम जो फाइनली सेल के अंदर आता है उसको दो मेथड से भेज दिया जाता है इन द कैपिलरीज़। पहला तो डायरेक्ट ए डिपेंडेंट पम्प होते हैं जो कि कैल्शियम को पम्प कर देते हैं इंटू द कैपलरीज और दूसरा इसका मूवमेंट होता है थ्रू थ्रू अ स्पेशल थ्रू अ स्पेशल पम्प जिसके अंदर कैल्शियम को भेजा जाता है कैपेलरीज के अंदर इन एक्सचेंज विद अब क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे ज्यादा था और कैपिलरीज के अंदर कैल्शियम कम है तो ये कैल्शियम तो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है इनटू द कैपिलरीज इसके अलॉन्ग द कंसनट्रेशन मूव करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को यूज़ करके सोडियम अपने अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आता है दैट इज फ्रॉम द कैपिलरी टू द सेल ऑफ अर्ली सिटी तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को वन सेगेन हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं अब कुछ कंडीशन होती है जैसे कि अगर पर्सन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया प्रेजेंट होता है तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पर्सन का पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो स्टमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इस पंप को स्टुमुलेट करने का काम करता है जिस वजह से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी के अंदर जो हाइपो की कंडीशन थी उसको ओवरकम कर लिया जाता है मतलब कैल्शियम का क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया है तो कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है और हाइपो की कंडीशन ट्रीट हो जाती है तो इस तरह हमने देखा कि कैसे अर्ली डी के अंदर सोडियम और कैल्शियम का रीअब्जॉर्पन हो रहा था अब हम लोग देखेंगे लेट डी के अंदर रीअब्जॉर्पन कैसे होता है दैट इज़ लेट डी एंड कलेक्टिंग डट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट डी और कलेक्टिंग डट के अंदर रीअब्जॉर््पन कैसे होता है लेट डीसी और कलेक्टिंग डट के अंदर मेनली टू टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स प्रिंसिपल सेल्स का फंक्शन होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना और इंटरकैलेटेड सेल्स का फंक्शन होता है एसिड बेस बैलेंस करना तो एक एक करके हम ये दोनों सेल्स के बारे में पढ़ेंगे पहले प्रिंसिपल सेल्स के बारे में और फिर इंटरकैलेटेड सेल्स के बारे में प्रिंसिपल सेल्स में ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन जो है वो नॉर्मली तो होता ही है लेकिन इसको स्टूमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन अगर एल्डोस्टेरॉन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है तो फिर ये सोडियम का रीअबॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन इन्हेंस हो जाता है और यही लेट डी और कलेक्टिंग डट के अंदर हमें पता है कि ये वाटर के लिए तो ये इमपर्मीएबल होती है बट जब ए डी एच का प्रेजेंस होता है मतलब ब्लड में अगर ए डी एच प्रेजेंट है तो फिर ये स्टूमलेट करता है इस वाटर के रीअब्जॉपन को और ये कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल सेल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है सोडियम का और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कैसे होता है और कैसे ए डी एच स्टमुलेट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को वो हम लोग देखते हैं ये एक इलिस्ट्रेशन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये है, ये प्रिंसिपल सेल्स हैं प्रिंसिपल सेल्स के इधर कैपिलरीज हैं ये इंटस्टिशियम है और इधर की तरफ ट्यूबुलर ल्यूमन है सबसे पहले प्रिंसिपल सेल्स की जो बेसोलेटल मेब्रीन पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है जो कि सोडियम को पंप करता है फ्रॉम द प्रिंसिपल सेल टू द कैपिलरीज और इसके अगेंस्ट में पोटेशियम आता है फ्रॉम द कैपिलरीज टू द प्रिंसिपल सेल्स अब इसकी वजह से क्या होता है कि वंस अगेन एक ग्रेडियंट एक क्रिएट होता है क्योंकि प्रिंसिपल सेल्स के अंदर सोडियम का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा और पोटेशियम का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और एक सोडियम के कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से ल्यूमिन से सोडियम जो है वो अंदर की तरफ पंप होने लगेगा थ्रू पैसि डिफ्यूजन ये थ्रू स्पेशल चैनल्स पम्प होता है सोडियम फ्रॉम द ल्यूमिन टू द प्रिंसिपल सेल उस चैनल्स को हम लोग कहते हैं इनैक् चैनल्स दैट इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ये एपिथेलियल सोडियम चैनल जो है वो पैसिव डिफ्यूजन करता है सोडियम का अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम द ल्यूमेन टू द प्रिंसिपल सेल्स ये जो सोडियम का टोटल रीअबजॉर्प्शन लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डट के जो प्रिंसिपल सेल्स के अंदर होता है वो थ्री टू फाइव परसेंट होता है मतलब टोटल सोडियम जितना भी रीअबजॉर्ब होने वाला है उसका थ्री टू फाइव परसेंट रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डट के अंदर होता है अब ये जो पोटेशियम अंदर की तरफ आया है प्रिंसिपल सेल्स के अंदर ये पोटेशियम जो है वो फाइनली इसको वापस ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर भेज दिया जाता है थ्रू बी के चैनल जिसको हम लोग बिग पोटेशियम चैनल्स भी कहते हैं एंड आर ओ एम के चैनल्स दैट इज़ रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स इनके थ्रू पोटेशियम को फाइनली एक्सक्रीट कर दिया जाता है अब हमने ये सोडियम का रिब्जॉर्पन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कैसे नॉर्मली होता है वो तो देख लिया अब देखेंगे कि कैसे एल्डोस्टेरोन स्टमुलेट करता है सोडियम के रिएबजॉर्पन को और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को तो कुछ स्टिमुलस होते हैं जैसे कि एनजोटेंसिन टू का प्रेजेंस अगर बॉडी फ्लूड के अंदर सोडियम का कंसनट्रेशन कम है और पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये कुछ स्टिमुलस होते हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टूमुलेट करते हैं जिसकी वजह से एल्डोस्ट्रॉन का सिंथेसिस होता है और ब्लड में एल्डोस्टोरॉन आ जाता है ये एल्डोस्टरॉन उसके बाद फिर अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ जाकर के बाइंड करता है जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रिंसिपल सेल्स ऑफ लेट डी एंड कलेक्टिंग डट के अंदर जब ये एल्डोस्ट्रॉन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो फाइनली ये कुछ प्रोटीन्स को स्टुमुलेट प्रोटीन्स को स्टमुलेट करता है फिर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है जो कि फाइनली सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है इनैक चैनल्स का सिंथेसिस भी बढ़ जाता है और बी के एंड आर के चैनल दैट इज़ पोटेशियम के एक्सक्रीशन के लिए जो चैनल्स हैं पोटेशियम के चैनल्स उनका भी सिंथेसिस बढ़ जाता है तो इसी तरह एल्डोस्ट्रॉन ये तीनों चीज़ों को स्टूमुलेट करके फाइनली सोडियम का रि भी इंक्रीज करवा देता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन भी इंक्रीज करा देता है उसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि कैसे वाटर का रीअब्जॉर्बशन होता है प्रिंसिपल सेल्स के अंदर हमें पता है कि जनरली ये प्रिंसिपल सेल्स दैट इज लेट डी और कलेक्टिंग डेट के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है लेकिन जब भी पर्सन वाटर डिफिसिट कंडीशन में जाता है तो फिर ये वाटर डिफिसिट कंडीशन की वजह से हमें पता है कि हमारे पेट्यूट्री में जो मैग्नोसेलुलर सेल्स होती हैं दैट इज़ पैरावेंटिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है सबसे पहले वो स्टूमलेट होता है और स्टूमलेट होने की वजह से एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन रिलीज करता है तो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ये एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन फाइनली कैपिलरीज के अंदर आता है ये एडीएच क्या करता है प्रिंसिपल सेल्स के अंदर प्री फॉर्म्ड वेसाइकल्स होते हैं इन प्री फॉर्म्ड वेसाइकल्स को स्टूमलेट करता है ये प्री फॉर्म्ड वेसाइकल्स में एक्चुअली में इन प्री फॉर्म्ब वेसाइकल्स के मेम्ब्रेन पे एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं और ये प्रिंसिपल सेल्स में पहले से बन के स्टोर्ड रहते हैं जैसे ही एडीएच आता है इनको स्टमुलेट करता है और ये रिसाइकल्स फाइनली ल्यूमिनल मेब्रेन में जाकर के फ्यूज़ करते हैं और फाइनली एक्वापोरिन बाहर की तरफ आ जाता है और ये एक्वापोरिन फाइनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है तो इस तरह एडीएच की मदद से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट डी एंड कलेक्टिंग डक्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटर सेल्स वर्क करती है इन द लेट डी एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रिंसिपल सेल्स के अंद की फंक्शनिंग देखने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरकैलेटेड सेल्स कैसे फंक्शन करते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स जो कि लेट डी और कलेक्टिंग डट के अंदर पाए जाते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं पहला टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स जिनको हम लोग अफा इंटरकैलेटेड सेल्स भी कहते हैं और दूसरा होता है टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल्स जिनको हम लोग बीटा टा इंटरकेलेटेड सेल्स भी कहते हैं हमें पता है कि इंटरकैलेटेड सेल्स जो होता है वो एसिड बेस बैलेंस करने का काम करता है ये कैसे करता है तो जो टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स या फिर अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स हैं वो एसिडोसिस को ओवरकम करता है मतलब अगर पर्सन को एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाता है तो उस केस में टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स फंक्शनिंग हो जाता है और वो एसिडोसिस को प्रिवेंट कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल्स जो होता है वो ओवरकम करता है एल्कोलोसिस को मतलब अगर कोई पर्सन को एल्कोलोसिस डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल्स फंक्शनिंग हो जाता है और वो एल्कोलोसिस को ओवरकम कर देता है कैसे ये टाइप ए और टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल्स फंक्शन करता है इसको हम लोग अब यहाँ पे डायग्राम्स के डायग्राम के मदद से समझेंगे ये एक टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल है इधर की तरफ कैपिलरी ल्यूमेन और इंटस्टिशियम है और इधर की तरफ ट्यूबुलर ल्यूमेन है टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स वर्क करता है जब पर्सन के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है मतलब जब पीएच जो होता है वो पीएच uh, जो होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस कंडीशन में हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड एक्चुअली में प्रिंसिपल एसिड होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडोसिस के लिए तो ये जो कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड के अंदर उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टाइप ए इंटर सेल के अंदर डिफ्यूज़ होकर के अंदर आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करता है एस का फिर ये H2CO3 टू सी ओ थ्री फाइनली डिसोसिएट करता है इन टू एच प्लस एंड एच सी ओ थ्री माइनस ये जो एच सी ओ थ्री माइनस है इसको फाइनली कैपिलरीज के अंदर भेज दिया जाता है बाई बाई कार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर पंप के थ्रू तो बाई कार्बोनेट चला जाता है कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर और क्लोराइड आ जाता है इनटू द सेल्स और ये जो क्लोराइड आयन है वो फाइनली इसको सिक्रीट कर दिया जाता है इन्टू द ट्यूबलेर ल्यूमेन अब ये जो बाइकार्बोनेट अंदर की तरफ गया है कैपिलरीज के अंदर क्योंकि हमें पता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो बेसिक होता है तो ये फाइनली जो एसिडिक कंडीशन डेवलप्ड था ब्लड के अंदर उसको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है और इसी तरह एसिडोसिस को ओवरकम कर लिया जाता है अब ये जो H प्लस आयन बना था ये H प्लस आयन दो मेथड्स की वजह से ट्यूब ट्यूबलेट ड्यूमिन में सिक्रीट कर दिया जाता है पहला ए डिपेंडेंट पंप होता है जिसके थ्रू एच प्लस आयन को सिक्रीट किया जाता है और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है जिसके अंदर सॉरी हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन को सिक्रीट किया जाता है और पोटेशियम को अंदर की तरफ लिया जाता है इन ए टी पी डिपेंडेंट मैनर तो ये ए टी पी डिपेंडेंट पंप होता है जो कि एच प्लस को सिक्रीट करता है इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम जिसमें पोटेशियम को सेल्स के अंदर की तरफ ले लिया जाता है अब ये जो H+ है वो प्रेजेंट एमोनिया जो प्रेजेंट होता है इन द ट्यूबलेट ल्यूमेन उनके साथ रिएक्ट करके एमोनियम आयन बना देता है जो कि फाइनली एक्सक्रीट हो जाता है तो ये H+ प्लस एज एच प्लस भी एक्सक्रीट होता है और एज एमोनियम आयन भी एक्सक्रीट होता है ये पूरा प्रोसेस में स्पेशली जो एल्डोस्टोरॉन है ये एल्डोस्टोरॉन जो होता है वो स्टूमुलेट करता है इन हाइड्रोजन एक्सक्रीशन को तो ये हाइड्रोजन का सिक्रीशन जो होता है वो एल्डोस्ट्रॉन जो होता है इस हाइड्रोजन के सिक्रीशन को स्टूमुलेट कर कर करके हाइड्रोजन के सिक्रेशन को या फिर एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है ये जो पोटेशियम अंदर की तरफ आया था हाइड्रोजन पोटेशियम पंप से इस पोटेशियम को फाइनली भेज दिया जाता है इनटू द कैपिलरी बाय द पोटेशियम चैनल्स तो ये देखा हमने कैसे टाइप ए इंटर सेल्स जो हैं वो एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है और एच प्लस को सिक्रीट करती है टाइप बी इंटरकैलेटरी सेल्स जो होती हैं वो ओवरकम करती हैं एल्कोलोसिस को जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा था इस पूरे को हम लोग अगर रिवर्स कर दें तो ये एल्कोलोसिस का प्रोसेस बन जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो जुड़ करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में एच बनाता है और इस बार एच जो है वो टुवर्ड्स द कैपिलरी ह्यूमन सिक्रीट होता है और एच जो है वो टुवर्ड्स द वो टूवर्ड्स द ट्यूबुलर ह्यूमन सिक्रीट होता है तो ये जो H प्लस है वो एक तो ATP टी डिपेंडेंट चैनल जो होता है उनके थ्रू सिक्रीट होता है और दूसरा वही हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन जो है वो कैपिलरी uh, ल्यूमिन में सिक्रीट हो जाता है और ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो वंस अगेन बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर की मदद से क्लो आयन जो है वो ट्यूबलेर ल्यूमिन में सिक्रीट हो जाता है अब ये जो अंदर की तरफ पोटेशियम जो आया वो पोटेशियम फाइनली इसको सिक्रेट कर दिया जाता है इन द द ट्यूबलेन बाय द पोटेशियम चैनल्स एंड जो क्लोराइड बना वो क्लोराइड अंदर की तरफ से फाइनली कैपिलरी ल्यूमन में भेज दिया जाता है इन बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड चैनल तो फाइनली यहां पर क्या होता है कि पर्सन के अंदर क्योंकि एल्कोलोसिस की कंडीशन डेवलप थी मतलब उनका पीएच हाई था तो इस कंडीशन में क्या किया कि टाइप बी सेल एक्टिवेट हुई और इन्होंने क्या किया कि जो एच प्लस है उसको फाइनली कैपले ल्यूमन के अंदर भेजा और ये H+ जो है वो फाइनली सेल्कोलोसिस की कंडीशन को न्यूट्रलाइज़ कर देता है तो इसी तरह से इंटर कैलेटेड सेल्स जो होते हैं वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है तो ये हमने देखा कैसे इंटर कैलेटेड सेल्स वर्क करती हैं अब हम लोग एक और समरी डिस्कस करेंगे कि कैसे जितने हॉर्मोन्स हमने डिस्कस किए हैं दैट इज़ एल्डोस्टोन ए डी एच पैराथॉरिड हॉर्मोन इनका एक समरी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हॉर्मोन्स फाइनली अब किस स्टिमुलस से ये स्टूमुलेट होते हैं और फाइनली इनका इफ़ेक्ट क्या होता है सो so, अब हम लोग डिस्कस करेंगे समरी ऑफ हॉर्मोन्स जिसमें हम लोग मेनली एल्डोस्टेरोन एंटी डायोरेटिक हारमोन और पैराथेरॉड हार्मोन के समरी को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनका कैसा इफेक्ट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो एल्डोस्टेरोन जो होता है एल्डोस्टेरोन के रिलीज के लिए स्टिमुलस का, का काम करता है अगर हमारे बॉडी के अंदर लो ब्लड वॉल्यूम होता है तो रास स्टिमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस स्टुमलेट हो जाता है एनजियोटेंसिन टू होता है उसके प्रेजेंस वो भी स्टुमुलस का काम करता है लो सोडियम कंसनट्रेशन इन द बॉडी फ्लुइड एंड हाई पोटेशियम कंसनट्रेशन इन द बॉडी फ्लुइड ये स्टूमुलस होता है एल्डेस्टोरॉन के सिंथेसिस के लिए जिसकी वजह से एडीनर लेंड एंड रिलीज करता है और फाइनली इस एल्डेस्टोरॉन का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट डी सी टी एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स ये जो प्रिंसिपल सेल्स होता है उनके अंदर ये एल्डस्टेरॉन सोडियम का री को बढ़ा देता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है जबकि टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है ये हम लोग देख चुके हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स का कैसे इफेक्ट होता है तो एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन के सिंथेसिस के लिए स्टूमलेस का काम करता है लो ब्लड वॉल्यूम दैट इज़ अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करता है कि पिट्यूटरी के अंदर से एंटी डायोरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन जिसको हम लोग कहते हैं उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ये एंटी डायोरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिलता है इन द लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों के अंदर वाटर का रिएब्जॉपन बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर एक्वापोरिन का सिंथेसिस जो होता है वो बढ़ जाता है और एक्वापोरिन डिपेंडेंट वाटर रिएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है फाइनल हम लोग देखते हैं पैराथोरिड हार्मोन के बारे में पैराथोरयड हार्मोन के रिलीज के लिए स्टमलाई का काम करता है लो सीरम कैल्शियम लेवल इन द ब्लड हाई सीरम फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड एंड लो विटामिन डी इन द ब्लड ये तीनों स्टमलर्स जो होता है वो पैराथॉरयड ग्लैंड को स्टमलेट करता है जिसकी वजह से पैराथॉर हार्मोन का रिलीज होता है और ये पैराथॉरयड हार्मोन का इफेक्ट देखने को मिलता है पीसीटी के अंदर जिसके अंदर से फॉस्फेट के रि को कम कर दिया जाता है क्योंकि हाई सीरम फॉस्फेट कंडीशन होगा तो पैराथॉरयड हार्मोन रिलीज होगा जो कि पीसीटी के अंदर से फॉस्फेट के रीएब्सॉर्प्शन को कम कर देगा लो सीरम कैल् लो सीरम कैल्शियम लेवल जो था वो भी स्टमुलेट करता है पैराथोरियड हार्मोन के रिलीज़ को जिसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है डीसीटी के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम के, 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 के रिएबजॉपन को बढ़ा दिया जाता है और लो विटामिन डी की वजह से पैराथोरियड हार्मोन भी रिलीज़ होता है जिसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है पीसीटी के अंदर जिनके अंदर वन अल्फ़ा हाइड्रोक्सीज एंजाइम के एक्टिविटी को और सिंथेसिस को बढ़ा दिया जाता है जो कि वाट विटामिन डी के रिएब्जॉपन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से विटामिन डी का कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर दिस वीडियो और मोर सच वीडियोज मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू